अध्यक्ष महोदय जी, मैं जम्मू कश्मीर राज्य स्थित जम्मू लोकसभा का जनप्रतिनिधि हूं और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का विधेयक और प्रस्ताव लाया है। अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लाखों करोड़ों देशभक्त लोगों का सपना था जो आज पूरा होने जा रहा है। 317 हो चाहे 35 ए हो, ये एक कलंक था जो नेहरू ने हम जम्मू कश्मीर के लोगों पर थोपा था। अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी ने 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय भारत के साथ किया था। तब राजा ने कोई शर्त नहीं रखी थी, पूर्ण विलय हो चुका था। तो ये 370 उसके बाद कहां से आई, ये किसने लाई, ये किसके कहने पर लाई गई, तो ये कांग्रेस बताए कि ये क्यों लाई गई और जम्मू कश्मीर के लोगों पर क्यों इसको थोपा गया। अध्यक्ष महोदय, जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के कहने पर 370 सदन में जुगल जी बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए प्लीज। माननीय सदस्य आज जुगल जी। अध्यक्ष महोदय, यहाँ मेरे से पहले जो वक्ता कांग्रेस के मनीष तिवारी जी बोल रहे थे, वो जवाहरलाल नेहरू जी का बड़ा गुणगान कर रहे थे और कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर को जोड़ने का काम जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने किया है। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर को जोड़ा है, मैं ये कहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर को तोड़ा है। ये जो आज पाक ऑक्युपाई कश्मीर है, ये जवाहरलाल नेहरू की देन है। ये जो कलंक हमारे माथे पर लगा हुआ है, ये जवाहरलाल नेहरू की देन है। आज यहाँ अपोजिशन के सदन के लीडर जो है वो कह रहे थे कि वो पीओके का क्या होगा, पीओके हमें लेना है, ये हमारा दृढ़ निश्चय है, लेकिन पीओके दिया किसने था, कभी इसको भी याद करिएगा और फिर जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस को याद करना। महोदय, अध्यक्ष महोदय जी, जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के कहने पर 370 को जम्मू कश्मीर पर थोपा और बाद में 35 ए को भी थोपा। अध्यक्ष महोदय जी, जब 370 संविधान में जोड़ी गई तब भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया था, लेकिन स्वार्थ की राजनीति को मद्देनजर रखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने फिर भी इसको जुड़वाया था। अध्यक्ष महोदय जी, आखिर 370 ने जम्मू कश्मीर को दिया क्या, आज तक जम्मू कश्मीर को 370 ने दिया क्या? अध्यक्ष महोदय, 370 ने भारत के साथ दूरियां बढ़ाने का काम किया है, ना बिजनेस को बढ़ने दिया और बेरोजगारी बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा और आतंकवाद बढ़ा, यही 370 ने दिया और 370 ने जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी की अगर बात करें, आज जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है यहाँ कोई कारखाना लगाने को तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर का युवा रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाता है, माता बहनों को भी कोई रोजगार नहीं मिलता और इसका कारण एक ही है कि कोई भी बड़ा कारखाना जम्मू कश्मीर में लगाने को तैयार नहीं, कारण वहां जमीन ही नहीं खरीद सकता। किराए की जमीन पर कब तक कोई कारखाना चलाएगा और क्यों चलाएगा, आखिर यह विचार करने योग्य बात है। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, आयुष्मान भारत आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है और गरीबों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग इस आयुष्मान भारत स्कीम से भी वंचित रह जाते हैं, उन्हें दूसरे प्रदेशों में अस्पतालों में जाना पड़ता है। कारण यही है कि वहां कोई बड़ा अस्पताल नहीं है और कोई बड़ा अस्पताल खोलने के लिए अभी तैयार नहीं है, और जो छोटे मोटे अस्पताल वहां पर हमारे हैं भी, तो कोई वहां डॉक्टर जाने के लिए तैयार नहीं है और ना कोई कारखाना लगाने के लिए तैयार है, ना कोई अस्पताल खोलने के लिए तैयार है, और लगाएगा भी क्यों, क्योंकि उनके बच्चे कॉलेज में पढ़ नहीं सकते।
उनको वहां पर पढ़ने की इजाजत नहीं है, वो अपना घर वहां नहीं बना सकते, वहां पर कोई कारोबार नहीं कर सकते, इसलिए कोई जम्मू कश्मीर में जाने के लिए तैयार नहीं है। यह है दफा 370, यह दिया है तक दफा 370 ने जम्मू कश्मीर के लोगों को। और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार को भी लगाम लगाने के लिए कोई खास कानून जो है वो नहीं है। अध्यक्ष मोदी जी, विडंबना तो तब हो गई जब पिछले दिनों बहुत ही ऐतिहासिक और साहसिक जो एक बिल था जो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने लाया, और ये था सामान्य वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण का बिल। जो पार्लियामेंट में जब पास हुआ तो पूरे देश भर में दिवाली मनाई गई, खुशियां मनाई गई, सामान्य वर्ग के लोगों को भी इंसाफ मिला। लेकिन जम्मू के लोग मायूस थे, जम्मू के लोगों में निराशा थी। क्यों? कि जम्मू के, जम्मू कश्मीर में ये जो कानून था वो लागू नहीं हो पाया। कारण 370 थी, क्योंकि वहां का अलग संविधान, और जब तक वहां की असेंबली इस कानून को पास नहीं करती तब तक ये आरक्षण बिल वहां पर लागू नहीं होता। इसलिए लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 और 35 से हटे, और जब कोई अच्छा कानून लगे तब उसे ले लेना, जब कोई अच्छा ना लगे तब उसे नहीं लेना। मन मर्जी और कोई नियम वहां पर नहीं था। मोदी, मैं बताना चाहता हूं कि जो आतंकवाद है यह भी 370 की ही देन है, और आतंकवाद ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा, निर्दोष लोगों को मारा, देश के कोने कोने के जवान सैनिकों की शहादतें हुई। मैं पूछना चाहता हूं नेताओं से जो 370 की वकालत करते हैं, जब थी 370 तब क्यों आया आतंकवाद? आतंकवादियों की भी वकालत करते हो, 370 की भी वकालत करते हो, यही आप लोगों का चरित्र है। कोटा जैसे कानून को भी आप लोगों ने टिकने नहीं दिया, तो कैसे आतंकवाद खत्म होगा? महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो दफा 370 है, इसने जम्मू कश्मीर को पिछड़े हुए प्रदेशों में ले आया। और जब हम नेताओं से इनसे पूछते हैं कि भाई आप दफा 370 35 को क्यों का पकड़ कर रखे हो, तो कहते हैं, मुझे एक बड़े वरिष्ठ नेता ने कहा कि जम्मू कश्मीर की एक अलग पहचान है। तो महोदय, क्या करेंगे ऐसी अलग पहचान को? जो पूछने पर कि जम्मू कश्मीर की बेटी अगर दूसरे राज्य में ब्याही जाती है तो उसकी पहचान ही चली जाती है, यह है अलग पहचान, उसका रिश्ता ही खत्म हो जाता है। माँ बाप भाई बहन वो कोई उसके रिश्तेदार नहीं रहते, और वो जम्मू कश्मीर की नागरिक भी नहीं रहती, और वो संपत्ति का अधिकार भी नहीं रखती। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मोदी, पिछले दिनों ही मेरे पास 2-3 बहनें आई, उन्होंने कहा किसी का शादी जो है वो पंजाब में और किसी की शादी जो दिल्ली में हुई थी, अकस्मात कई घटना घटी, दुर्घटना घटी, उनके पति की डेथ हो गई, और जो ससुराल वालों का माहौल ऐसा बन गया कि उसे वापस जाना पड़ा। अब वो 2 बच्चों को लेकर जब जम्मू में वापस गई तो वहां का अधिकार ना वो वोट डाल सकती है, ना वहां की नौकरी ले सकती है, ना भाई बहन माता पिता उसको मकान दे सकते हैं। मतलब ये है अलग पहचान। तो मेरा कहना यह है, इसके साथ ही ये जो अलग पहचान वाली बात लोग करते हैं, मैं जहां बार बात करूंगा कश्मीरी पंडितों के साथ क्या नहीं हुआ, दर बदर हो गए, आज तक बिखरे पड़े हैं, क्या दोष है कश्मीरी पंडितों का? यही कि कब भारत माता की जय कहते थे और आज तक उनके पांव जो है वो नहीं लग पाए। आज आप कितनी भी सुविधाएं कश्मीरी पंडितों को दे दे सर, लेकिन अपनी जन्मभूमि कोई नहीं छोड़ता। महोदय, जब भगवान राम ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की तो सोने की लंका को देखकर लक्ष्मण ने कहा कि भैया राम जी, हम यही सोने की लंका जो है यहाँ पर ही अपना राजपाट करते हैं, यहाँ के राजा बन जाते हैं, और अयोध्या भरत को दे देते हैं। तो महोदय, हम सब जानते हैं कि उस समय राम जी ने कहा कि नहीं, हमारी जो जन्मभूमि है हम उसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जननी जन्मभूमि से स्वर्गापि गृहस्थिति, जननी जन्मभूमि से स्वर्गापि गृहस्थिति, के जन्मभूमि हम सबसे प्यारी है, हमें सोने की लंका नहीं चाहिए। कश्मीरी पंडितों को आप जो मर्जी दे दें, लेकिन जब तक उनका पुनर्वास नहीं होगा, उनको चैन नहीं आएगा, वो चाहते हैं हम। अध्यक्ष महोदय, 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर को लूटा जा रहा था, डेवलपमेंट के नाम पर पैसा तो दिया जाता था, पर ये पैसा कुछ परिवारों तक ही पहुंचता था, लोगों तक नहीं पहुंचता था, गरीबों तक नहीं पहुंचता, गरीब गरीब ही रहा, वो उठ नहीं सका। और धारा 370-35 की वजह से कश्मीर राज्य जो है वो पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आ गया। महोदय,
मैं बताना चाहता हूं कि जिन प्रदेशों में 370 नहीं है तो वहां क्या वो प्रदेश डेवलप नहीं हुए महोदय? आज जिन प्रदेशों में 370 नहीं है वहां कारखाने भी हैं, वहां रोजगार भी है, वहां पर लोग खुश हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं क्योंकि वहां कोई जाना नहीं चाहता। महोदय मैं थोड़ी सी बात करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा। वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजियों की दुर्दशा जो है वो देखी नहीं जाती, उनके पास वोट डालने का हक नहीं है। वो 70 वर्षों से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं लेकिन वोट नहीं डाल सकते, अपना मकान नहीं बना सकते, जमीन नहीं खरीद सकती। महोदय उनका राशन कार्ड नहीं है, 70 वर्षों के बाद भी आज वो राशन कार्ड नहीं बनवा पाए हैं, उनके बच्चे कॉलेज में नहीं पढ़ सके और जीने को मजबूर है। अध्यक्ष महोदय जी, आज ये जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये जो जहां पर प्रस्ताव संकल्प और बिल लाया है, जम्मू कश्मीर की 150 लाख जनता जो है वो खुश है। अध्यक्ष महोदय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो संविधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। महोदय जी, आज वह समय आया है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार करने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में अमित शाह जी ने यह हिम्मत दिखाई और आज ये बिल जो है पास होने लगा है। मुझे लगता है कि उन महापुरुषों को भी शांति मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आप मुझे इशारा कराए, मैं ज्यादा बातें ना करता हुआ इतना ही कहूंगा कि ये आज एक इतिहास रचने वाला है। देश के करोड़ों लोग जो देशभक्त लोग हैं वो देख रहे थे कि कब वो दिन आए जब नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और अमित शाह जी गृह मंत्री बने और दफा 370 पता ना चले के कहां गई और दफा 370 जम्मू कश्मीर से हट जाएगी। इतने शब्द कहते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।